तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 37 एंड द चैप्टर 37 इज इडियम्स एंड फ्रेसेस। सो बच्चों आपने मुहावरे सुने होंगे, लोकोक्तियाँ सुनी होंगी, इडियम एंड फ्रेसेस वही हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ इडियम एंड फ्रेसेस दिए हुए हैं और हम एक्सप्लेन करेंगे उनका मतलब। मैं आपको बताऊंगी कि इन इडियम और फ्रेसेस का क्या मतलब है। तो राइट द मीनिंग ऑफ दीज इडियम्स एंड फ्रेसेस, हमें यहाँ पर मीनिंग लिखना है इडियम और फ्रेसेस का। ओके, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते और बस हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सब कुछ अच्छा कर दो, हमारे को सक्सेसफुल कर दो, लेकिन गॉड उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है गॉड ओनली हेल्प दोज पीपल, गॉड उन्हीं की मदद करते हैं हु वर्क हार्ड एंड मेक एन ऑनेस्ट एफर्ट, जो कठिन परिश्रम करता है और एक ईमानदार कोशिश करता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। कुछ भी शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। ओके, चाहे वो कोई काम हो या फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की बात हो, उन्हें स्वीकार करने की बात हो, हमें ऐसा लगे कि अब हमें किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तो ऐसा कभी नहीं होता। इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन, इट्स नेवर टू लेट टू करेक्ट वंस मिस्टेक, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है, आप जब चाहें तब उन्हें सुधार सकते हैं। थर्ड नंबर पर है स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स मतलब जिस पानी में कोई हलचल नहीं है वो बहुत गहरा होता है। स्टिल वाटर्स रन डीप मतलब अगर कोई इंसान शांत है, वो ज़्यादातर चुप रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है। ओके, हो सकता है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा हो, वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। वन हु इज़ यूजुअली साइलेंट, वो इंसान जो जनरली यूजुअली चुप रहता है, साइलेंट रहता है, एंड गोज अबाउट हिज बिजनेस क्वाइटली, और अपने काम को चुपचाप करता रहता है, मे बी अ वेरी वाइज पर्सन, एक बहुत बुद्धिमान इंसान हो सकता है। फोर्थ नंबर वी हैव नो न्यूज़ इट इज़ गुड न्यूज़। नो न्यूज़ मतलब जब कोई न्यूज़ नहीं है इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। When there is no news, जब कोई भी न्यूज़ ही ना हो, कोई समाचार ना हो किसी भी तरफ से, it is likely that everything is all right. तो ये समझें कि सब कुछ ठीक है। Number 5 पे we have strike while the iron is hot. तभी चोट करें जब लोहा गर्म हो। अगर हमें लोहे को कोई आकार देना होता है तो लोहार उस पर उसे गर्म करता है, और जैसे ही वो गर्म हो जाता है उस पर चोट करता है। अगर लोहे को ठंडा होने के बाद चोट करी जाएगी तो हम उससे कोई आकार प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, इसी तरह जब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हैं हमें उसी समय उसे ग्रैब करने की, पाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो सीज अ गुड अपॉर्चुनिटी एज क्विकली एज पॉसिबल। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पाने की कोशिश या उस पर काम करने की कोशिश कर देनी चाहिए। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता है। मतलब अगर कहीं पर कुछ र्यूमर्स हैं या कोई बात चल रही है तो वो तभी होती है जब कोई ना कोई क्लू होता है या कुछ ना कुछ उसमें ट्रू एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि र्यूमर डू नॉट स्प्रेड, अफवाहें नहीं फैलती हैं। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह, अफवाहें नहीं फैलती हैं जब तक देयर इज सम एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ इन देम, जब तक उसमें कुछ सच्चाई ना हो। ओके, नंबर 7 पर टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय
और टाइड मतलब जो समुद्र में तूफान आता है वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, वो समय अपनी गति से चलता रहता है। टाइम इज प्रेशियस, समय कीमती है। वंस इट इज पास्ट, एक बार ये चला गया, नो वन कैन गो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो टाइम की कद्र कीजिए। तो आई होप बच्चों कि आपको इन सब के मतलब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8 फ्रेज है हमारे लिए, टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इसका मीनिंग मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास इतना प्लेस नहीं था। सो टू अर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू अर इज ह्यूमन मतलब गलती करना, इंसान के लिए गलती करना नॉर्मल है, लेकिन उस गलती को अगर कोई माफ़ कर दे तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ओके। सो इट इज़ ओनली नॉर्मल फॉर मैन टू मेक मिस्टेक्स। ये एक नॉर्मल चीज़ है किसी भी इंसान के लिए गलतियाँ करना और गलत करना। बट फॉर वन टू फॉरगिव अनदर फॉर हिज रॉन्ग, लेकिन किसी के लिए किसी की गलतियों को माफ़ कर देना इज इंडीड ग्रेट एंड ग्रेशियस एक्ट। ये एक बहुत महान कार्य है। तो गलतियाँ करना स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है कि वो गलती करता है, लेकिन उसे माफ़ कर देना एक बहुत महान चीज़ है। नंबर 9 पर है, टू हेड्स आर बेटर देन वन। मतलब किसी और की ओपिनियन भी लेनी चाहिए। टू हेड्स आर बेटर देन वन। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गेट द व्यू ऑफ अनदर देन टू रिलाय एंटायरली ऑन वंस ओन जजमेंट। अपनी जजमेंट पर भरोसा करने की बजाय ये अच्छा होगा कि अगर हम किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेंगे। तो हमें चीज़ों को समझने में और दूसरों के नज़रिए से उन्हें देखने में भी आसानी होगी, ओके। नंबर 10 पर है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। एक बुरा कारीगर हमेशा अपने औजारों को ब्लेम करता है, दोष देता है। एन अनस्किल्ड वर्कर ब्लेम ऑन हिज टूल्स फॉर हिज बैड वर्क। तो अगर हमसे कोई काम नहीं हो रहा तो उसके लिए हमारी परिस्थितियों को हम दोष ना दें, क्योंकि कई बार लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं लेकिन अपनी क्या गलती है उसे नहीं देखते। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक अनस्किल्ड वर्कर अपने टूल्स को दोष देता है अपने बैड वर्क के लिए, ये नहीं देखता कि उसमें स्किल नहीं है या उसने काम गलत किया है। 11 नंबर पर वी हैव, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक बुक को उसके कवर से जज मत करो। मतलब डू नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस। मतलब जो जैसा दिखता है उसको वैसा मत समझो। हो सकता है कोई इंसान बाहर से बहुत सख्त दिखता हो, स्टोन हार्टेड दिखता हो, लेकिन अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट हो, उतना ही जेनरस हो। तो किसी को भी बिना मिले या बिना उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किए जज मत कीजिए। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है। तो इसका मतलब ये है, द बेस्ट वे टू लर्न अ जॉब इज टू डू इट। अगर हमें किसी काम को करने का बेस्ट वे सीखना है तो हमें बस उसे करते जाना है। और आप देखेंगे कि जब आपको उस काम को करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसमें परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। मतलब बहुत सारे जो कुक होते हैं अगर वो एक खाना बनाने जाएं या कुछ भी चीज़ बनाने जाएं वो उसे स्पॉइल कर देते हैं। इसका मतलब अगर एक ही काम को बहुत सारे लोग करेंगे तो वो काम स्पॉइल हो जाएगा। टू मैनी पीपल ड्यूरिंग द सेम थिंग एट द सेम टाइम विल नॉट बी सक्सेसफुल, ओके। नेक्स्ट वी हैव, हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन। कुछ ना से आधा लोफ भी अच्छा है। इट्स बेटर टू हैव और रिसीव लेस देन वन डिजायर्स देन टू हैव और रिसीव नथिंग एट ऑल। कुछ भी पाने
ना पाने से अच्छा है कि हम कुछ थोड़ा पाकर संतुष्ट हो जाएं। ओके, कई बार लोग अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू सेटिस्फाई वट एवर वी हैव टू अस, जो भी हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट हों। आगे चलते हैं, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो मतलब बेगर्स मतलब भिखारी, भिखारी चूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कभी कभी समटाइम्स इन नीड शुड बी ग्रेटफुल, जो ज़रूरत में है उसे भी ग्रेटफुल होना चाहिए फॉर वॉट इज़ गिवन टू हिम, उस चीज़ के लिए जो उसे दी जा रही है, इवन इफ़ इट्स नॉट वॉट ही वॉन्ट्स और एक्सपेक्ट्स। चाहे वो चीज़ वो ना हो जो उसे चाहिए या वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो चूज़ नहीं कर सकता, जो उसे मिलेगा उसके लिए उसे ग्रेटफुल होना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब है जब हम इस सिचुएशन में ना हो कि हमारे पास कोई चॉइस हो, सो जो भी हमें मिले उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये idiom और phrases क्लियर हो गए होंगे, राइट? तो इसमें कई सारी बच्चों आपको लाइफ lessons भी मिलेंगे, जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सो ये जो idioms हैं और phrases हैं, ये अगर हम चाहें तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी इन लाइन्स को हम यूज़ कर सकते हैं, बस हमें उनका मीनिंग पता होना चाहिए, राइट? और इसी के साथ हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू।